देखिए सभी बल्ब में एक ही प्रकार का फॉल्ट होता है और मैक्सिमम जो फॉल्ट होता है वो आपको आज रिपेयर करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। देखिए हमारे सामने चार LED बल्ब है, उनको हम इस बल्ब होल्डर में लगा कर आपको दिखाते हैं कि उनमें दिक्कत क्या है एक्चुअली में। पहले ये वाला बल्ब लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बल्ब ब्लिंक कर रहा है जैसे कि आपके घरों में लगा हुआ बल्ब करता है। देखिए ऐसे ब्लिंक कर रहा है ये, आपने देखा होगा आपके घरों में जो बल्ब होते हैं वो ऐसे ब्लिंक करने लग जाते हैं। देखिए होता है ऐसे या फिर मीडियम जलने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, बल्ब को फेंक देते हो। लेकिन दोस्तों आपको बल्ब फेंकने नहीं है, ये बल्ब भी दोस्तों कुछ नहीं चल रहा है, यानी कि बिल्कुल भी जल नहीं रहा है। तो चलिए इन सभी बल्ब में देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, फॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हमने देखिए पहला बल्ब खोला था, उस बल्ब को यानी पहले बल्ब को चेक किया था। देखिए 17/10/2021 का यह बल्ब है, इसको पहले टेस्ट करते हैं, यानी ऊपर वाला कैप इसका उतार लेते हैं और आपको फ्री में रिपेयर करना सिखाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला कैप उतार लेते हैं इसका, ऐसे आप उतार सकते हो ऐसे। तो ये कैप इसका उतर गया, अब इसको हम टेस्ट करते हैं। देखिए वो टेस्ट करने के लिए आप बल्ब होल्डर में लगा लीजिए, और बल्ब होल्डर में लगाने के बाद आप देख पा रहे हैं, पहले इन बल्ब को साइड में कर देते हैं। तो देखिए बल्ब होल्डर में लगाने के बाद जो हमारे बल्ब है इसमें जो SMD है वो मीडियम जल रही है, देख पा रहे हैं आप। देखिए लाइट एक बार ऑफ करके दिखा देते हैं, ये देखिए तो बल्ब ऐसे मीडियम जल रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ ये सबसे अलग है। देखिए यहाँ पर एक SMD है वो बिल्कुल ही बंद है, आप देख पा रहे होंगे। देखो ये वाली जो SMD है, ये वाली जो SMD है ये बंद है बिल्कुल, ठीक है। तो इस SMD को आपको रिपेयर करना है, आपको इसको देखिए, ये SMD आपको दिख रही है, ये बिल्कुल ही बंद है दोस्तों ये वाली, ठीक है। तो इसको आपको रिपेयर करना है, और रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, कोई किसी प्रकार का आपको यहाँ पर LED उखाड़ना नहीं है दोस्तों। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि अक्सर जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें इस SMD को क्या करते हैं, यहाँ से अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे अलग कर देंगे, आपको बता देंगे कि यहाँ से आप शॉर्ट करो ऐसे, और शॉर्ट करने के बाद ये जो SMD है ये बदलने से क्या होगा कि आपका जो LED बल्ब है वो रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी SMD में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी SMD आपकी ख़राब है, ठीक है। तो अभी हम स्टेप बाई स्टेप यानी बारी बारी सभी SMD को ऐसे एक चिमटी ले लीजिए आप। चिमटी PVC कवर्ड होनी चाहिए दोस्तों ऐसे, क्योंकि अगर आप कवर्ड चिमटी का यूज़ नहीं करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सभी SMD को चेक करते हैं इस चिमटी के माध्यम से। आप वायर से भी कर सकते हो। तो करोगे कैसे, इसके जो दोनों पॉइंट है दोस्तों चिमटी के, उसको आप जो SMD है उसके दोनों तरफ, देखिए आप इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं SMD के, यहाँ और यहाँ यानी लेफ्ट और राइट साइड में, उसमें आप इस चिमटी को ऐसे टच करें, यानी दोनों जो पॉइंट है इसके, इसमें आप सभी SMD को ऐसे टच करें। हो सकता है जो SMD जल रही हो वो ख़राब हो, क्योंकि मीडियम भी जल रही है SMD, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी SMD ख़राब हो सकती है। आप सभी को आप ऐसे एक बार चेक कर लें, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमने इस SMD पर ये चिमटी ऐसे टच की है, तो हमारा जो बल्ब है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्लो करने लग गया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो SMD है ये ख़राब है। लेकिन दोस्तों कोई दूसरी SMD भी आपको चेक करनी है, कहीं वो भी तो ख़राब नहीं है। देखिए अभी आपको सभी SMD जलती हुई अगर दिख रही है, इसका मतलब केवल ये SMD अगर आप ठीक कर देते हो या बदल देते हो तो आपका जो बल्ब है वो अच्छे तरीके से ग्लो करने लग जाएगा। तो चलिए इसको आपको रिपेयर करने की जो ट्रिक है वो बता देते हैं आपको। दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल एक ये डायोड लेके आनी है, ये डायोड आपको लेके आनी है मार्केट से, ठीक है, जो कि आपको 1 रुपये के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डायोड आपको कैसे यूज़ करनी है इसके अंदर, ताकि जो ये आपका LED बल्ब है वो भी रिपेयर हो जाए, और आपका ये जो आपको बता रहे हैं ये SMD भी निकालनी नहीं पड़े, वो आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, किसी मार्कर से आप इसको निशान लगा लें, ताकि आपको बार बार आपको ये चेक ना करना पड़े, ठीक है। और दोस्तों इस डायोड को आपको लगाना कैसे वो भी आप देख लीजिए। इसमें भी दोस्तों अगर आप इसको उल्टा लगा देते हो तो आपका जो LED बल्ब है वो नहीं जलेगा। आपको लाइव दिखा रहे हैं अभी, देखिए ये जो आपका LED था, LED बल्ब था, इसके अंदर जो SMD ख़राब था उसके अंदर देखिए इस डायोड को हम लगाते हैं। तो देखिए जैसे हमने, जैसे ये वाला जो पॉइंट है, मान लीजिए ये प्लस का पॉइंट है, ये माइनस का पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे लगा रहे हैं तो हमारा जो LED है वो ग्लो कर रहा है। देखिए ये देखिए
हमारा जो एलईडी बल्ब है वो ग्लो कर रहा है दोस्तों। ये देखिए ठीक है, और जैसे ही हम इसको इसका नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कर देते हैं इस डायोड का, देखिए ऐसे कर देंगे तो हमारा जो ये एलईडी बल्ब है वो नहीं जलेगा। ऐसे अगर हम इसको लगा देते हैं देखिए, तो हमारा एलईडी बल्ब अभी ग्लो नहीं कर रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी साइड आपको लगानी है, वरना आप फिर बाद में कमेंट बॉक्स में ये कहोगे कि एलईडी बल्ब हमारा जला ही नहीं जब हमने ऐसे रिपेयर किया। तो चलिए अभी इसको हम लगा लेते हैं, और लगाने के लिए आपको क्या करना है देखिए, आप पहले इसको सुनिश्चित कर लें, यानी कि आप इसको निशान भी लगा सकते हैं या फिर कट भी कर सकते हैं कि कौन सी साइड आपको यह लगाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा कट कर लेना है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको कट कर लेंगे, यानी हमें ध्यान रहेगा कि छोटी वाली जो साइड है वो हमें लेफ्ट साइड में इस एसएमडी के लगानी है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में वो वाली साइड हम लगाएंगे। तो चलिए इसको हम पहले बाहर निकालते हैं, क्योंकि चलती हुई लाइन में काम करना दोस्तों खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा पेस्ट ले लें आप, और इसको ऐसे दोनों साइड से आप इसको पेस्ट में ऐसे लगा लें पेस्ट इसके, और एक ले लें आप शोल्डर वायर, और इसको आप थोड़ा सा शोल्डरिंग कर लें यहाँ से, और ऐसे ही दूसरी साइड से। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आपको क्या करना है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हो अगर आप ऐसे करते हो तो। लेकिन आपको दोस्तों जैसे बताया मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव का आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, वरना आपका एलईडी बल्ब नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप इसको लगा दें, थोड़ा सा ध्यान से करना है, बिल्कुल इत्मीनान से करना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड हम लगा देंगे इसके। तो देखिए अभी हमने जो सोल्डरिंग है इसकी डायोड की कर दी है, यानी डायोड को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम चेक कर रहे हैं इस होल्डर में लगा के इस एलईडी बल्ब को कि हमारा बल्ब कैसे ग्लो करता है। तो देखिए दोस्तों एलईडी बल्ब बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। अभी हम लाइट को बंद कर देते हैं एक बार, और आपको रोशनी इसकी दिखा देते हैं। देखिए तो रोशनी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और अभी इसका जो ऊपर वाला कैप है ये भी आपको लगा के इसमें दिखा देते हैं, और बिल्कुल लाइट बंद करके आपको दिखाने वाले हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये एलईडी बल्ब कैसे हमारा जो कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। देखिए तो दिखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है, लेकिन इसकी एक अलग बात जो होगी वो ये होगी कि ये काफ़ी समय तक चलेगा। आपको दोबारा दिखा दे रहे हैं, देखिए इसको खोल कर दिखा दे रहे हैं। देखिए आप ये कहोगे बाद में कि आपने किसी प्रकार की एडिटिंग की है और की है, ये देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया। लाइट एक बार ये बल्ब निकाल के दिखा देते हैं, देखिए ये डायोड लगाया इसमें और कुछ भी नहीं किया है, और ये जो एलईडी हम लोग शॉर्ट करते थे पहले काफ़ी वीडियो में आपको दिखाया गया है, तो वैसे हमने शॉर्ट नहीं किया है, केवल ये डायोड का इस्तेमाल किया जो कि इसकी लाइफ बढ़ाएगा, और ये एक साल तक और आराम से चल जाएगा। केवल आप एक रुपये में इसको रिपेयर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो एक डायोड के माध्यम से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को आप अभी क्लिक कर लें ताकि सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।